ये इनका बेडरूम है, ये किचन आ गई अपनी। मेरा जो है मैंने घर खरीदा हुआ है। अच्छा खरीदा हुआ है? हाँ, ओके तो खरीदा कितने का? इफ यू कैन डिस्क्लोज इट। देख हमें देखिए क्या मिला यहाँ पे, एक ग्रेव है इंडियन विक्रम कॉल। हाँ उसमें अलग अलग है जैसे जा चार पांच वैरायटी है। भी कमरे बना रखे इन्होंने चारों साइड। लेकिन जैसे जो अपने लोग आना चाहते हैं बाहर, उनको क्या सजेशन दोगे कि आना चाहिए यहाँ पे या इंडिया सही है? हाँ जी गुड मॉर्निंग जी। तो अभी आज नया दिन है, कल हम चर्च नहीं जा पाए थे बिकॉज हमें पार्किंग स्पेस नहीं मिली थी। पार्किंग यहाँ बड़ा दिक्कत है ढूंढने की, तो हमने कहा चलो रात को मैं यही सोया। भाई ने मुझे जम्मू के राजमा खिलाए, चिकन विकन खिलाया, एकदम मतलब मस्त इंडियन फूड। और यही घर है, घर बाद में दिखाएंगे। तो अभी जा रहे हैं चर्च, आज चर्च देखेंगे और फिर यहाँ पे एक्चुअली एक होटल, इट्स अ हॉस्टल राइट, मतलब हॉस्टल होटल ही है। तो एक बड़ा सा एयरप्लेन लेके उसके अंदर बना रखा है। अब उसमें बुकिंग तो नहीं मिली हमें, लेकिन हम जाके बात करेंगे उनसे, अगर दिखाने देते हैं आपको अंदर से, नहीं तो बाहर से तो देख ही लेंगे। तो काफ़ी यूनिक सा है वो देखेंगे। और एक थोड़ा सा टाउन और जाएंगे, बगल में ही है। सो या दैट्स द प्लान फॉर द डे, सो लेट्स सी हाउ द डे गोज। तो अभी यार हम आए हैं यहाँ पे तेल डलवाने, तो बात करेंगे तेल कितने का पड़ता है यहाँ पे। अच्छा मनीष, यहाँ पे तेल खुद डालना पड़ता है या वो डालते हैं? इंडिया वाला हिसाब नहीं, इधर बस निकलो बार और लगा। ये काफी इजी और हैंडी है बस। अच्छा कहाँ लिखे रेट वो इसके? जब मैं ऐड करूंगा तो उस पे रेट आ जाएगा। अच्छा 95 कितना है? 19 क्रोना कितने बन गए रुपए में? अगर अभी के कन्वर्जन रेट के हिसाब से देखा जाए तो 140 रुपए लीटर हो गया। हाँ। तो थोड़ा महंगा ही इंडिया से। हाँ। बट वही है कि मतलब अगर देखें सैलरीज वगैरह देखें तो लगता है सस्ता है बहुत। कि कोरोना में देखें तो 20 करोना है सिर्फ। हाँ, उस हिसाब से अगर इंडिया का देखें तो वही। हाँ। आपकी बार 100 पार हो जाता है। बस वही है। अच्छा पहले कार्ड लगा के डाल देना कितने का डालना है। अलग अलग है जैसे चार पांच वैरायटी है। 95 है। खुद पेट्रोल पंप लग गया। तो कल भी हम यहीं गए थे घूम के, बहुत टाइम चक्कर लगा के। तो वो रही वो चर्च ऊपर और यहाँ बाहर पार्किंग का इस, मतलब कल भी हमें नहीं मिला स्लॉट। मिल गया आज। मिल गया? मिल गया। अरे वाह वाह, किस्मत अच्छी आज हमारी, कहीं ना कहीं से तो घुमा फिरा के। एवरीवन वाज सर्चिंग, सारे ढूंढ रहे हैं उसे। कोने में नजर नहीं पड़ती किसी की। अच्छा ये वाला स्लॉट है तो बैक करके लगा देनी है। ठीक है तो भाई आज हम चर्च देख ही लेंगे फिर। काफी बड़ी है, अंदर से भी सुंदर है मैंने सुना है। मतलब तूने कल बताया था कि सुंदर है। सुंदर है। जो नॉर्डिक कंट्रीज है सबसे हाईएस्ट चर्च है। सबसे हाँ नॉर्डिक हाईएस्ट चर्च है भाई। काफी काफी ऊंची है। गर्दन स्पेन में भी देखी थी और इटली में भी देखी थी चर्चेस बड़ी बड़ी, लेकिन ये काफी इम्प्रेसिव है, सुंदर भी काफी है। ये जाके देखते हैं अंदर। हाँ जी तो चर्च के बाद अभी हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? जम्बो जा रहे हैं। अच्छा मनीषा मैं बताऊँ मेरे को एक, कि तुम्हें यहाँ पे 4 साल हो गए तो अभी मतलब लाइफ, हाउस लाइफ है? लाइफ इज प्रीटी गुड, एंजॉय हो रहा है अपना लाइफ।
कर रहे हैं टाइम पास, और मतलब वैसे हम बात करें खर्चे सैलरी ये सब, तो उसके हिसाब से इट्स गुड लाइफ, या फिर मतलब यहाँ पे टैक्स से बहुत कटता है 50%? हाँ टैक्स तो कटता है, लेकिन ये है कि आपको सैलरी उस अकॉर्डिंग मिलती है और आपके ग्रोसरी के खर्चे सब खर्चे वो कम ही है, खर्चे एज कम्पेयर टू अगर आप इंडिया से कम्पेयर करते हो वो थोड़ा चीपर साइड है। लेकिन अगर आप वो ऑब्वियस है कि अगर आप यहाँ की करेंसी को इंडिया में कन्वर्ट करोगे तो नहीं कर पाओगे, लेकिन भी सैलरी भी उस हिसाब से है तो तो मतलब अच्छी लाइफ है, अच्छी लाइफ है। और अगर आप लोगों को ज्यादा वीडियोस देखने हैं स्वीडन के यहाँ की लाइफ के, तो मनीष का चैनल है, आपके चैनल का नाम बोलो, देसी इंडियन। मैं नीचे लिख भी दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो यू कैन गो देयर। और अगर आपको डिटेल में देखनी है वीडियोस की, यहाँ पे क्या क्या सीन होता है, लाइफ कैसी है, वो सब, तो जो भी हम करते हैं और घूमने की जगह क्या है और लाइफ बाकी कैसे है, मतलब बस एक शॉर्ट आपको एक आइडिया मिल जाए। और मतलब अगर आइडिया भी नहीं, किसी को हेल्प चाहिए कुछ की भाई पूछना है कुछ स्पेसिफिक चीज, तो यू कैन आस्क हिम, कोई स्टूडेंट आना चाहता है तो अगर किसी, क्योंकि क्योंकि ये शहर तो है ही उपसाला यूनिवर्सिटी, मतलब इट्स अ स्टूडेंट टाउन, राइट? एग्जैक्टली, यहाँ पे काफी स्टूडेंट आते हैं, काफी पुरानी यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन स्वीडन। वैसे तो स्वीडन में एक और अच्छी यूनिवर्सिटी है, नहीं नहीं अरे वो जो LUND, एक वो भी है, काफी सारे इंडियन जब आते हैं तो कहते हैं कि हम इस यूनिवर्सिटी में हैं, उसका हम नाम नहीं ले सकते, लेकिन अगर हम स्वीडिश में बोले तो वो कुछ और बोलते हैं, कुछ और है, हमारी लैंग्वेज कुछ और बन जाता है, कुछ और बन जाता है, तो ठीक है। और बाकी हम घर जाएंगे तो बात करेंगे घर के किराए वराए वो सब के बारे में बात करेंगे, हमने बात करी थी लास्ट वीडियो में मलकीत के साथ, तो थोड़ा आइडिया आपको कि स्टॉकहोम में थोड़ा अलग होगा, सारा थोड़ा सा छोटा शहर है तो कुछ अलग होगा यहाँ पे, जो है मैंने घर खरीदा हुआ है। अच्छा, खरीदा हुआ है? ओके, मेरा रेंटल पे नहीं है, रेंटल पे हम पहले रहते थे। अच्छा, तो तकरीबन 2-2.5 साल हम रेंट, तो खरीदा कितने का, इफ यू कैन डिस्क्लोज इट? ये डिपेंड करता है कि आइडिया क्या है। तो मेरा वाला था वो रफली, हमारा जो होता है पहले एक इनका जो होता है पहले बेस प्राइस होता है, फिर उसके बाद बिडिंग होती है। तो मेरा अराउंड 1.8 का पड़ा था, 1.8 CR, नहीं CR नहीं, स्वीडिश क्रोन, 18 लाख स्वीडिश क्रोन। अच्छा, 18 लाख स्वीडिश क्रोन, तो वही हो गया 1.8 नहीं 1.6 CR ऐसा कुछ, 1.5 CR है ना, अपना इंडिया का इतना बन गया। ओके, सही है। बाकी तो यहाँ पर रेंटल का भी सिस्टम है। हाँ, वो तो हमने बात करी थी लास्ट वीडियो में भी, तो ठीक है, आपको आइडिया मिल गया, घर दिखाऊंगा आपको मैं अभी जब वापस जाएंगे, तो आपको नेहा से मिलवाएंगे अगर वो आना चाहेगी वीडियो पे, तो क्योंकि वो बोल रही थी, कह रही मेरा पसंद नहीं है मेरे को वीडियो पे आना, तो अगर वो आना चाहेगी वीडियो पे तो उससे भी मिलवाएंगे। अभी हम चलते हैं जंबो, जो प्लेन वाला होटल है। Allowed to drive on this one. अच्छा, this plane. अच्छा, okay. You always have to drive this. ਇਹਦੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ drive ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ overtaking ਲਈ ਆਓ। Overtaking ਦੇ ਲਈ। Okay. ਉਹ continuously। ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਭੀ ਬਸ 2 ਮਿੰਟ ਮੇ 5 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਕੇ ਬਾਅਦ, ਔਰ ਅਭੀ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਧੂਪ ਸੀ। और ये गंदी बारिश एकदम से, लेकिन हमें पक्का भरोसा है जब हम पहुंचेंगे वहां पे तो फिर धूप आ जाएगी क्योंकि ये मौसम ऐसा ही है भाई, मैंने देख लिया 4-5 दिन देख लिया मैंने, ये ऐसे ही होता है, बारिश धूप धूप बारिश धूप। वेलकम टू स्वीडन। हाँ, तो ये बिल्कुल हम एयरपोर्ट पे हैं, जो मेन एयरपोर्ट है स्वीडन का, स्टॉकहोम का, और ये है होटल। ये प्लेन खड़ा बिल्कुल एयरपोर्ट के बाहर ही है, लेकिन ये इट्स अ होटल, जाके देखते हैं। अभी थोड़ी बारिश रुके तो ही निकलेंगे बाहर। आगे भाई जहाज में, यहाँ देखिए जो है ना जो इंजन होते हैं उसमें भी कमरे बना रखे हैं इन्होंने, चारों साइड सीढ़ियां देके। अब भाई इसमें बुकिंग तो हमारी है नहीं, देखना पड़ेगा कि अलाउ करते हैं नहीं अंदर जाना कि नहीं। दरवाजे पे तो कोई खोल नहीं रहा अभी। ये देखिए इन्होंने विंग्स पे बना रखा है रेस्टोरेंट, तो वहाँ बैठे खाना खाइए, मस्त है यार। और ये जो है ये इनका मेन, मतलब यहाँ पे एक सुइट है, इनका कॉकपिट सुइट है शायद, और मेरे ख्याल से इधर इधर नीचे बैठने की जगह है, मैं जब खोल ही नहीं रहे तो क्या करें, बेल है नहीं, नॉक करा हमने, खोला नहीं इन्होंने, तो भाई रिसेप्शन में तो उन्होंने नहीं खोला, लेकिन यहाँ से देख लीजिए आप कि क्या सीन है, मस्त है। तो अगर आप आए तो देख लीजिए, मतलब मेरे ख्याल से महंगा ही होगा ये, काफ़ी महंगा होगा, तो लगे बजट में तो बुक कर लेना भाई।
तो भैया हमारे थोड़ा सा ड्राइव करके, यार क्या नाम था जगह का? इसका नाम है सिकटूना। सिकटूना भाई, सिकटूना में क्या मस्त धूप निकली है, मजे आ गए। मतलब यहाँ बैठो आराम से, तो थोड़ी देर सोऊंगा यहाँ पे, थोड़ी देर धूप का मजे लेंगे, फिर बाद में घूमेंगे। यहाँ घूमने का क्या भाई? यहाँ पे सामने ही है कैफे, है एक चर्च। अच्छा, साल पुराना है। और कुछ पुरानी चर्च है। ओके, तो मतलब हम थोड़ी देर सो सकते हैं यहाँ पे, टाइम है। चलो चलो चलो, तो थोड़ी देर अभी यहाँ पे थोड़ी देर तो सेक दिया, फिर चल लेंगे आगे। तो भाई अभी हम आए हैं, ये वाली चर्च है, ये रूइंस ही हैं अब तो। और जनरली मतलब जो लोग चर्च में नहीं गए जैसे, तो यही होता है कि साथ में जनरली साथ में एक ग्रेवयार्ड भी होता ही है। तो ये काफ़ी पुराना है, मतलब वाइब्स भी ऐसी हैं पुरानी सी, लेकिन चर्च का बस यही बचा है अभी। तो अंदर भी जा सकते हैं इसमें। बस वही है, खंडर सा बचा हुआ थोड़ा सा, कोई सीढ़ियाँ भी नीचे चढ़ने को ना, बस यही एक ही फ्लोर है। देख, हमें देखिए क्या मिला यहाँ पे, एक ग्रेव है इंडियन विक्रम कौल, अभी 2021 में डेथ हुई है इनकी। तो ये यहाँ का ओल्ड टाउन, और यहाँ पे है एक कैफ़े जो कि 400 साल पुराना है। चलते हैं इसके अंदर। तो काफ़ी वैसे काफ़ी नीची सी है, बट हाँ काफ़ी फील तो है इसमें। काफ़ी सही है। तो ये देखिए, ये है घर, ये इनका बेडरूम है, ये किचन आ गई अपनी, ये वॉशरूम है, और ये सिटिंग रूम है, सिटिंग एरिया, डाइनिंग टेबल, सोफ़ा, ये वो टीवी। और यहाँ से एक्चुअली सामने मेन रोड पड़ती है इधर से, तो सुबह यहाँ से लाइट आती है और शाम को देखा आपने बाहर जो एरिया, वहाँ बैठ सकते हैं। तो दिस इज़ द घर। तो भाई अभी आ गया टाइम, काफ़ी मतलब काफ़ी सही रहा है टाइम यार, थैंक यू मनीष हर चीज़ के लिए, मतलब खाना पीना घुमाना। मतलब मेरा इतना था नहीं प्लान उपसाला आने का, बल्कि तो सेइंग मी कि भाई जाया उपसाला जाया, फिर एक मैसेज आया मेरे को मनीष का, तो मैंने कहा यार अब तो मतलब कुछ करना नहीं, ट्रेन पकड़ के जाना है, बाकी सब मनीष देख लेगा। तो वही हुआ, मस्त मजा आया दो दिन। अच्छा मनीष, मेरे समाज में ना दिमाग में एक सवाल है कि ये बोलते हैं कि भाई स्कैंडिनेविया जो है वो लाइक ये जो स्वीडन हैप्पीएस्ट कंट्रीज एंड फलान टिमकान, बट मैंने देखा लोगों में ऐसे कि मतलब अगर आप बात करोगे उनसे, आप रोड पे देखते हो वो इतने कोई स्माइल नहीं कर रहे या खुश नहीं। हाँ, तो मेरा वही सवाल है कि क्या ये हैप्पीएस्ट कंट्री है? डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ कैसे जी रहे हो यहाँ पे। अगर तो आप अच्छे से लोगों से मिलते हो, आउटिंग करते हो, फ्रेंड्स के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हो, देन इट्स ऑब्वियसली अ गुड कंट्री फॉर यू टू लिव। अगर आप अकेले में रहना चाहते हो, आपके आपको ये पसंद नहीं है कि अब मैं बाहर जाऊं या पार्टी करूं, तो उनके लिए ये थोड़ा है। बाकी नहीं मतलब ठीक है, जैसे अपने देसी लोग रहेंगे अपना ग्रुप बन जाएगा अपन, ठीक है, लेकिन जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं ऑलरेडी, वो मैंने देखा है कि लाइक, और मैंने सुना भी है कि डिप्रेशन रेट भी बहुत ज्यादा है यहाँ पे, सुसाइड रेट बहुत ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल, सुसाइड रेट काफी ज्यादा अभी भी है मेरे ख्याल से, और काफी लोग डिप्रेशन की, द मेन रीजन इज कि डिप्रेशन है और अकेला फील करते हैं। एज ग्रुप है जैसे कि कुछ यंग जो है वो भी करते थे, लेकिन अब जो एज ग्रुप है जो 45 से लेके 70 तक चल रहा है, क्योंकि काफी लोग डिवोर्स रेट बढ़ गया, ये सब हो गया, तो अकेले रह जाते हैं। बिल्कुल, इवन कि जब उनके बच्चे अडल्ट 18 साल के, यहाँ पे फैमिलीज का आपको पता ही है, फैमिलीज का बिल्कुल और पेरेंट्स ऑब्वियसली जब अलग होते हैं तो कुछ लोग डिवोर्स देके अलग हो जाते हैं, और अकेलापन लोगों को थोड़ा चुभता है, तो उस वजह से काफी सुसाइड लोग करते हैं, बाकी अदरवाइज। लेकिन जैसे जो अपने लोग आना चाहते हैं बाहर, उनको क्या सजेशन दोगे कि आना चाहिए यहाँ पे या इंडिया सही है? नहीं बिल्कुल, मैं तो आप मेरे को देख सकते हो, मैं पिछले 4 साल से रहा,
लाइफ में काफी चेंजेस आते हैं। आप पहले इंडिया में थे, वहाँ पे कुछ चीजें ऐसी थी जो आप करते थे, और यहाँ पे आके बिल्कुल ऑपोजिट हो चुका है, लाइफस्टाइल अलग चेंज हो जाता है, बट इट्स फॉर द बेटर। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आपको अच्छी चीजें सीखने को मिलती हैं कि आपकी आज थोड़ा जो फर्स्ट जनरेशन आती है उसके लिए थोड़ा दिक्कत है, लेकिन आगे बच्चों का बहुत सही है। बिल्कुल बिल्कुल, तो आई वुड रिकमेंड कि अगर कोई आ रहा है यहाँ पे, बिल्कुल आप अपना देख के फ्यूचर आप बिल्कुल मूव कर सकते हैं, कर सकते हैं। अच्छा है आप यहाँ पे, वैसे भी जॉब अपॉर्चुनिटीज काफी, सॉफ्टवेयर की तो काफी ही है, क्योंकि मैं अभी सॉफ्टवेयर ही हूँ, ये भी भाई सॉफ्टवेयर ही है। तो बहुत सारे लोग होंगे जो हमारे, क्या होता है कि हम लोग पूछते हैं मेरे से, भाई इंडिया के सॉफ्टवेयर इंजीनियर इतने सारे क्यों होते हैं, तो मैंने कहा भाई उसमें पैसे मिलते हैं तो सब बन जाते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एनीवे, तो अगर कोई भी और डाउट है, कोई भी दिक्कत है, तो मनीष का मैंने लिंक डाला यूट्यूब का नीचे, आई विल पुट इंस्टाग्राम ऑल्सो, आप उनको मैसेज कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, कोई सलाह चाहिए आपको, सलाह मशवरा, तो या ठीक है पूछ सकते हैं, राइट? ठीक है भाई, तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ वापस स्टॉकहोम, एंड उसके बाद आई विल गो बैक टू कोपेनहेगन, कोपेनहेगन से बाद हैम्बर्ग, हैम्बर्ग से ट्रेन लेके आई गो टू पेरिस, पेरिस जैसे भी बोलते हैं उसको, तो जो मेरा शहर है कपूरथला, दैट इज नोन एज पेरिस ऑफ पंजाब, जो हमारा राजा था ना, वो बड़ा बड़ा ही फैन था वो फ्रेंच चीज़ों का, तो ठीक है देखेंगे कैसा है असली में पेरिस। कपूरथला तो मैंने देखा हुआ है बहुत बार, पेरिस में आज तक नहीं गया, तो दिस इज फर्स्ट टाइम, सो या आई विल सी इन द नेक्स्ट वन, गुड बाय। तो भाई अभी हम खड़े हैं बिल्कुल नीचे आईफिल के, और इसका नाम आईफिल क्यों पड़ा, क्योंकि एक था इंजीनियर गुस्तावो आईफिल करके।